बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सेलेसियन। वेलकम टू सेवन सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हिस्ट्री का यूनिट 4 हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसका पेज नंबर 21 है। हमने जो है रजिया सुल्ताना तक जो है पढ़ लिया था। पहले इसकी जो है रीडिंग कर लेते हैं कम्प्लीट, और कुछ जो है एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी और कुछ इसकी रिमेनिंग है, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद हैड बीन बाय हिज फादर्स साइड इन हिज बैटल कंस्पायरेसीज एंड स्ट्रगल्स फॉर पावर सडन हिम एंड ही स्टेड अवे फ्रॉम देम। ही इंटरेस्टेड ऑल मैटर्स ऑफ द सल्तनत टू हिज लॉयल मिनिस्टर यासुद्दीन बलबन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द परसूट ऑफ नॉवेल कैलीग्राफी एंड द कुरान द स्टडी ऑफ द कुरान वर हिज पैशंस। He continued his ancestral tradition of promoting education. इस नसीरुद्दीन महमूद के इस जो है पॉइंट में इसमें ये कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन महमूद जो है अपने बाप की तरफ से मतलब इन इस बैटल की जंगों में मतलब कंस्पायरेसीज ये चीज जो है उनकी जो है बाप की तरफ से आई मुशाहिदात करना जदोजहद करना ताकत के लिए एंड स्टेड अवे फ्रॉम दैट। इसी तरह मतलब इंटरेस्टेड वो तमाम जो है मैटर्स में जो सल्तनत के थे उनमें इंटरेस्ट लेते एक अपने जो है वफादार मिनिस्टर यासुद्दीन बलबन के थे दैट स्पेंड और मोस्ट ऑफ हिज टाइम उनका जो ज्यादातर टाइम था वो जो है नॉलेज में गुजारते उसकी तलाश में खताती जो है वो लिखते कुरान का बहुत ज्यादा उनका जो मुताला करना उनका एक जज्बा था। उन्हें वो जो है अबाउ आजाद की तरफ से रवायात को फरोग दे रहे थे प्रमोटिंग इनमें जो है एजुकेशन को फरोग देना एंड शोइंग हिज रिगार्ड फॉर सूफी सेंट्स जिस तरह जो सूफी सेंट ही फाउंडेड उन्होंने नसीरिया कॉलेज की भी बुनियाद रखी और 1266 में उनकी डेथ होती है बलबन उनके बाद जाने से। नेक्स्ट हमारे पास यासुद्दीन बलबन है, ठीक है। बलबन वाज अ तुर्क कैप्चर इसमें ये बताने हैं जो यासुद्दीन बलबन एक तुर्क जो थे कैप्चर्ड उन्हें जो है कब्जे में कर लिया गया गुलाम बनाया गया मंगोल की तरफ से एज अ चाइल्ड एक बच्चे के से और फिर उन्हें अल्तमिश ने बाद में खरीद लिया था। ही रोस्ट वो जो है अपने दर्जों की वजह से बिकन ऑफिसर बने उठकर हुए एंड जनरल एंड फाइनली और इसके बाद जो आखिरकार जो है दिल्ली के थ्रू इस टैलेंट अपनी काबिलियत के बहस है वो सुल्तान बन गए। और बलबन जो है इसी तरह उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो इंडिया की तरफ से क्रिएट की गई थी उन्हें उन्होंने निकाला। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है सिक्योरिटी अपने हुकूमत के दौरान तहफ्फुज़ और ये सल्तनत में रखा और दानिशमंदी उनकी जो है उसकी वजह से उन्होंने जो है पुरतमाद तरीके से वापस मुहिम को चलाया और पुरमन जो है हुकूमत की अपनी जो है स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे नेक्स्ट पैराग्राफ में अगरचे बलबन जो है उन्होंने मंगोल प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज रेन मंगोल ने जो प्रॉब्लम थी उनकी हुकूमत के दौरान उन्होंने वो मंगोल ने अटैक किया एंड उन्हें जो है उनके बेटे जो है किल्ड हिज फेवरेट सन जो उनका पसंदीदा जो है बेटा मोहम्मद उन्हें जो है उन्हें एक घात बनी हुई होती है कि क्या फौज ने उन्हें उनपे मार डाला कत्ल कर दिया। बलबन जो है उनको इस सदमे की वजह से उन्हें अटैक हो गया था और उनकी डेथ होगी। बाद में जो है जानिशीनी का जो है आपस में स्ट्रगल शुरू होगी फिर ये दिल्ली सल्तनत ये खत्म होगी। इसके बाद जो है खिलजी की जो है हुकूमत शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब जो है इसमें खिलजी डायनेस्टी है जलालुद्दीन खिलजी पहले इसमें है और इसमें ये बता रहे हैं कि मलिक फिरोज खिलजी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर थे जाने जाते थे एज जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। उन्होंने अपने पहले जो है 17 ईयर जो है इसमें गुजारे व्हेन ही केम टू पावर जब वो बसर इक्तदार आए वो अपने टॉलरेंट वो बहुत ज्यादा उनमें बर्दाश्त मेहमान थे और अमन जो है उन्होंने हुकूमत जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है मेहरबान थे पुरअमन लीडर थे ठीक है। उन्होंने आजाना तो माफ कर देने वाली जो है मतलब वो माफ कर देते कैदियों को और इस तरह की उन्होंने हुकूमत की कोई खून बहा उनकी जो है हुकूमत के दौरान नहीं था ठीक है। इसमें ये था आगे जो है साजिश करने वाले उनके काफी जो है अगेंस्ट आ गए। अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन का जो है भतीजा दामाद और गवर्नर ऑफ अलाहाबाद का गवर्नर था। इसके बाद इसमें ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर या एडवाइस वगैरह फ्रॉम द सुल्तान की तरफ से होती थी। वो बहुत ज्यादा ब्रेव बहादुर थे
मेड हिम फेमस है, इस चीज ने उन्हें बहुत ज्यादा मशहूर बना दिया। नतीजे के तौर पर इनको वो हौसला मंद भी बहुत ज्यादा थे। एडवांटेजेस, उनके एडवांटेजेस उनके ये थे, अलाउद्दीन की नेचर के तौर नोबल इंसाइटेड हिम टू रेबल, जो बागी थे अगेंस्ट हिज अंकल, उनके खिलाफ जो है सुल्तान जलालुद्दीन के, एज एन रिजल्ट नतीजे के तौर पर अलाउद्दीन किल्ड ने उस दोनों ने जलालुद्दीन को मार दिया एंड सक्सीडेड हिम एज नेक्स्ट खिलजी सुल्तान जो है वो जानशीन बने, अलाउद्दीन खिलजी जो है नेक्स्ट जो है वो जानशीन बने। इसमें ये बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, आफ्टर कमिंग टू पावर, बरसर इक्तदार आने के बाद उन्होंने महसूस किया हिज क्राइम, अपने जो जुर्म के बारे में उन्हें दुख हुआ जो उन्होंने किया, और उन्होंने इस चीज का कफारा दिया, या तमान, अटोन होता है तमान दिया, जो मतलब उन्होंने ये जुर्म किया था, मतलब उनसे ये जो गुनाह हुआ था। गुड फॉर हिज पीपल, फिर वो इसके लिए कफारा अदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ जो है अच्छा बर्ताव शुरू कर दिया। और इसी तरह अटैक बाय द मंगोल की तरफ से जब रिपीटेड हुआ ये अटैक जो है हमला हुआ, टुगेदर अलाउद्दीन उनके जो तीन भाई थे, ठीक है, जफर खान, उलग खान एंड नुसरा खान, इन्होंने क्या किया, मंगोल इन्वेजन ग्रेट करेज एक अजीम मतलब जो जुरात के साथ प्लानिंग के साथ आखिरकार डिफीटेड देम, उन्हें शिकस्त दे दी। अलाउद्दीन जो है इशू वेट ट्रबल मेकर राजपूत द साउथ जनूब की तरफ से जो तकलीफ बनाने वाले मतलब खड़ी करने वाले थे, इस तरह इशू उन्होंने जारी किया रेबलियस नेफियो, और उनका जो है नेफियो जो बागी था नेफियो, ठीक है, भतीजा इन ऑग इन द ईस्ट मशरिक की तरफ से, ठीक है, ही मैनेज टू सप्रेस बोथ ग्रुप मूव टू बी कंक्वर दक्कन, उन्होंने वो मूव हुए हरकत की, उन्होंने दक्कन को कंक्वर फतह की, आफ्टर विच ऑलमोस्ट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट केम अंडर हिज रूल, जिससे क्या हुआ था तकरीबन जो है उनके बरे सगी जो उनके अंडर में आ गया जितनी जहां तक उन्होंने हुकूमत। अलाउद्दीन जो है वो नेक्स्ट इधर ये बता रहे हैं, अलाउद्दीन इज नाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अलाउद्दीन जो क्या जाने जाते थे बहुत ज्यादा अजीम जो है इंतजामिया मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे बहुत अच्छे, और हुकूमत करने वाले बरे सगी में उन्होंने वेल बींग ऑफ हिज पीपल एंड फास्ट स्ट्रिक्ट, उन्होंने जो है सख्ती के साथ लास्ट प्रोटेक्ट देयर राइट्स, उनके जो राइट थे उनको तहफ्फुज़ दिया, लोगों के कंट्रोल्ड प्राइसेस और जो कीमतें थी उन पर भी काबू रखा, मेड श्योर दैट देयर वाज नो नाजायज को भी प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा या जखीरा दोष अशिया नहीं करेंगे, परफेक्ट लॉ एक उनके जो लॉ उन्होंने कानून बनाए हुए थे, ऑर्डर थ्रू आउट हिज एम्पायर, अपने जो है बशात के दौरान जो उन्होंने ऑर्डर की है स्पाइस इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक श्योर देयर वाज नो करप्शन, इस चीज ने उन्हें मतलब यकीन दिलाया कि कोई करप्शन वहां पर नहीं, स्ट्रॉन्ग वेल ट्रेंड आर्मी थी और मजबूत जो बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर बॉर्डर थे, और उनकी जो बशात के अगेंस्ट एक्सटर्नल बैरूनी जो अटैक के मुखालिफ जो है जो बैरूनी हमले करते उनके लिए एक उन्होंने मजबूत बॉर्डर बनाया हुआ था। अलाउद्दीन में एनी फॉर्मल उन्होंने कोई किसी जो है रस्मी तौर पर स्कूल से तालीम हासिल नहीं की थी, बट वह सेल्फ था, वो खुद ही जो है पर्सन ऐसे शख्स था जो खुद ही पढ़ रहा था, अप्रिशिएट लर्निंग और लर्निंग की काफी अप्रिशिएट करता, उन्होंने बहुत से स्कूल्स बनाए, तालीमी जो है अदारे बनाए, वेल वॉज लिटरेचर की तरफ साइंस आर्ट रूलिंग, अमीर खुसरू जो है द फेमस पोएट थे, म्यूजिशियन थे, वन फेवरेट पीपल उनके जो है फेवरेट लोगों में से थे, हेल्ड एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन हिज कोर्ट, उन्हें जो है क्या किया कि अमीर खुसरू को उन्होंने अपने दरबार में एक अहम मकाम दे दिया। आफ्टर अलाउद्दीन की डेथ के बाद 1316 में जब इनकी डेथ हो गई, कंफ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन, अब फिर जानशीनी का जो है आपस में कश्मकश शुरू हो गई, फिर जो गयासुद्दीन तुगलक आए, बहुत पॉपुलर जनरल थे फ्रॉम अलाउद्दीन की आर्मी, की बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, वो अगले जो है इसके सुल्तान बने। यहाँ तक हमारी जो है रीडिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमने जो इसके क्वेश्चन करने हैं रिमेनिंग, नोटबुक अपनी ओपन कर लें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो इसका 3, 1, 2, 3 हमने ये 3 कर लिए थे।
अब जो है फोर है हमारे पास ये क्वेश्चन. कंपेयर द करेक्टर ऑफ सिकंदर लोदी. पहले आप जो है ऊपर यूनिट नंबर फोर है हमारे पास. यूनिट नंबर फोर ठीक है, हेडिंग आप दे लें, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फोर रहता है. ठीक है, कंपेयर द करेक्टर्स ऑफ सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी. ठीक है, पहले आप हेडिंग के सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी कल्चर्ड टैक्टफुल TACTFUL डिवोटेड. ठीक है, devoted the learning, interested in welfare of state and pupils, full stop. इसके बाद the sultanate flourished under him. ये हमारे पास सिकंदर लोदी. नेक्स्ट हमारे पास इब्राहिम लोदी. hot tempered, disinterested in welfare of state and tactless, could not keep the sultanate in order, full stop. Next हमारे पास जो क्वेश्चन अब रहता है ये क्वेश्चन नंबर फाइव की आपने हेडिंग देनी है. ठीक है, हाउ डिड दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंसेस इंडिया. आंसर लिखे दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज लर्निंग, आर्किटेक्चर, कस्टम, प्लूरलिज्म, PLURALISM, diversity, DIVERSITY, full stop. आप नीचे आप ये देख रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन हमारे जो कंटेंट वाले थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. अब आपने एडिशनल क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दे दी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज चंगेज खान. इसका आंसर है चंगेज खान वाज अ मुगल एम्परर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अल्तमिश बाय एंड बिकमिंग किंग. इसका आंसर है हिज सक्सेशन. सक्सेशन होता है जानशीनी SUCCESSION वाज चैलेंज्ड द इक्वली रैंक RANK ऑफ एबक्स आर्मी एंड कंस्टेंट CONSTANT attack by Chinggis Khan, full stop. Next हमारे पास जो है आप क्वेश्चन नंबर थ्री है एडिशनल. What are Quwwatul Islam Mosque and Qutb Minar. इसका आंसर है both are victory मोनोमेंट कमीशन बाय एबक COMMISIONED बाय एबक फुल स्टॉप. ये बच्चों आज का हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया है. ठीक है, सफाई से आपने लिखना भी है और याद भी करना है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.